हेलो बुजू, आज हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस की फिजिक्स पोर्शन को कंटिन्यू करते हैं। क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स मेजरमेंट मेजरमेंट को कंटिन्यू करते हैं। तो मेजरमेंट में हम लोग जो मेजरमेंट में हम लोग जो है फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन बेसिक फिजिकल क्वांटिटी और सेकेंड वन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी दो में डिवाइड किया था। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कितना था? 7। कितना था टोटल? 7। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कितना था? 7। और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आपको डिपेंड करता है किस पे? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी पे। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करता है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी पे। तो हम लोग इसमें अभी चर्चा करना है यूनिट के बारे में। अभी के टॉपिक में चर्चा करना है यूनिट के बारे में। यूनिट तो सबसे पहले फर्स्ट एसआई यूनिट एमकेएस यूनिट यूनिट, थर्ड एफपीएस यूनिट और सीजीएस यूनिट। तो यूनिट को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एसआई यूनिट, एमकेएस यूनिट, एफपीएस यूनिट और सीजीएस यूनिट। जैसे एसआई यूनिट में उनको देखना है 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे मास, लेंथ और टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एसआई यूनिट क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट तो ये यूनिट एसआई यूनिट आपको हर कंट्री में ये चलता है। आपको एसआई यूनिट, इस यूनिट को हर कंट्री मानता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, चूंकि यूनिट जैसे एफपीएस फुट पॉइंट सेकेंड, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड यूनिट और सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट। जैसे एमकेएस यूनिट अपने इंडिया में, एफपीएस यूनिट इंग्लैंड में यानी कि ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और सीजीएस यूनिट फ्रांस में चलता है। यदि हम चले गए इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में एफपीएस यूनिट चलता है। तो हमको किसी भी चीज़ को, मास को हमको तौलना है, हमको चाहिए 2 kg कोई भी मास, तो हमको देगा किसमें? पाउंड में। तो हमको समझ में नहीं आएगा कि कितना दिया नहीं दिया,
या हम उसको बोल रहे हैं वो नहीं समझ पाएगा, हम उसको बोलेंगे कि 2 kg देना भाई, लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो तौलता है कोई चीज़ में, पॉन्ड में, कोई चीज़ को तौलेगा किस में, पॉन्ड में। चलिए दूरी की बात करें, इंग्लैंड में ही हम गए, दूरी की बात करें, हम 1 मीटर की बात करेंगे लेकिन वो दूरी को फीट में बात करेगा, तो फिर कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए एक ऐसा यूनिट आया, ऐसा यूनिट जिसके बारे में सबको जानकारी है, ये इंटरनेशनल लेवल पे हर कंट्री में चलता है, तो इंग्लैंड वाले भी जो है ऐसा यूनिट के बारे में जानता है, फ्रांस वाले भी जानता है, इंडिया वाले भी जानता है, तो हम यदि बोले ऐसा यूनिट में यदि हमको कुछ भी बोलना है तो उनको समझ में आ जाएगा, और उनका अपना लोकल जो FPS यूनिट है वो भी चलता है, अपने यहाँ भी लोकल चलता है ना, जैसे पसेड़ी इधर, तो यदि इंग्लैंड वाले यहाँ पे आए तो पसेड़ी तो उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम लोग बोल दें दुकान वाले को भाई एक पसेड़ी हमको आलू चाहिए, तो 5 kg देगा वो, तो पसेड़ी क्या हो गया, एक लोकल यूनिट हो गया, लोकल यूनिट हुआ। तो इसी तरह से जो है ना एक लोकल यूनिट मतलब उस कंट्री का यूनिट, जैसे ये ब्रिटेन का हो गया, ये फ्रांस का हो गया, ये चलता है। तो अपने यहाँ इंडिया में तो ये इंटरनेशनल लेवल पे सब जगह सारे कंट्री में चलता है, सबको जानकारी है, आप बोलोगे तो कहीं भी किसी भी कंट्री में आपको दिक्कत नहीं होगा। MKS यूनिट, ये MKS यूनिट जो अपने इंडिया में चलता है, ये इंडिया में, ये ब्रिटेन में और ये फ्रांस में, MKS यूनिट में किसी भी चीज़ को तौलना है, नहीं दूरी को, दूरी के लिए मान लो ये दूरी है डिस्टेंस, इसको एम से मीटर दूरी को नापेंगे मीटर में। यदि किसी भी चीज़ को तौलना है, तो किलोग्राम में, मास को तोड़ेंगे तो किसमें, केजी में, किसमें, केजी में, और टाइम को देखेंगे तो किसमें, एस से सेकंड में। तो MKS यूनिट में जो है ना दूरी को मीटर में, मास को, वजन को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में। तो ये अपने यहाँ इंडिया में चलता है, और SI यूनिट में भी मास को मीटर में और लेंथ मास को केजी में, जैसे शॉर्टकट में हो गया किलोग्राम लिखिए, और सिंबल हो गया केजी, लेंथ मीटर और इसका हो गया एम, टाइम सेकंड एस, टेम्परेचर केल्विन के, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सी डी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, यहाँ MOL ही है मोल, यहाँ पे शॉर्टकट इसका सिंबल हो गया MOL। तो ये 7 ऐसा यूनिट है, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है ये, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका जो है ऐसा यूनिट हो गया किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल, और ये सिंबल हो गया, इसको आपको याद रखना है। MKS में जो है ना मास को मीटर, पहले एम से मीटर, एम के किलोग्राम केजी, और टाइम सेकेंड। तो दूरी को डिस्टेंस एम से मीटर, डिस्टेंस को नापेंगे मीटर में यानी सिंबल एम, वजन को मास को किलोग्राम में यानी कि केजी, और टाइम को सेकंड में यानी कि एस में। ये अपने यहाँ का यूनिट हो गया MKS। FPS यूनिट फुट पॉन्ड सेकेंड, यदि दूरी को मीटर करना है तो फुट में,
में एफटी और पाउंड एलबी और सेकेंड एस, यानी कि दूरी को फीट में या फुट में एफटी, और वहाँ पे इंग्लैंड में किसी भी चीज़ को मास को द्रव्यमान को तोला जाता है पाउंड में, यानी एलबी सिंबल हो गया, और टाइम को सेकेंड में, यानी एस। टाइम जो है ना, सभी चारों सिस्टम ऑफ यूनिट, ये सिस्टम ऑफ यूनिट बोलिए इसको, सिस्टम ऑफ यूनिट कुछ आप पार्ट में डिवाइड किया है। ये सिस्टम ऑफ यूनिट में जो है दूरी को मीजर करेंगे फीट में या फुट में, या मास को पाउंड में यानी एलबी, और टाइम को सेकेंड में एस। तो चारों सिस्टम ऑफ यूनिट में टाइम को सेकेंड में ही मेजर करते हैं। और सीजीएस जो कि फ्रांस का है, इसको सेंटीमीटर, सीएम, ग्राम, जी और सेकेंड एस। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट आप समझ गए, इसको चार पार्ट में डिवाइड किया है, एसआई यूनिट, एमकेएस यूनिट, एफपीएस यूनिट और सीजीएस यूनिट, इसके बारे में समझ गए। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जो ये सही यूनिट में ही चर्चा भी कर दी है, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी और इसका यूनिट ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को हमको देखना है। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट आपको निकलेगा किससे, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट से। जैसे यानी कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके आपको निकलता है। जैसे स्पीड क्या है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी स्पीड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड का यूनिट क्या होगा, तो डिस्टेंस यानी कि लेंथ की बात करते हैं, लेंथ का क्या हो जाता है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इसका यूनिट लिखिए, और टाइम का यूनिट ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो ये मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मीटर डिवाइड हो रहा है सेकेंड से। मीटर जो एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, मतलब कि लेंथ का, और टाइम बेसिक फिजिकल क्वांटिटी टाइम का यूनिट है सेकेंड। इस दोनों को डिवाइड किया तो हमको स्पीड का यूनिट आ गया, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे दो यूनिट है, दो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट का यूज किया गया है और डिवाइड किया गया है, इसीलिए स्पीड क्या है आपका ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, और मीटर पर सेकेंड क्या है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी स्पीड का यूनिट। इस तरह से आपको यदि फार्मूला पता है, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी का यदि फार्मूला पता है, तो आप आराम से इजी वे से आप उसका यूनिट निकाल सकते हो। वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, मान लो कि हमने क्यूबॉइड का जो है वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम या किसी भी चीज़ का वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम जैसे क्यूबॉइड की बात करते हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या होता है हाइट। तो लेंथ का यूनिट ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई यूनिट ऑफ ब्रेथ और यूनिट ऑफ हाइट,
तो यूनिट ऑफ लेंथ क्या होगा मीटर, यूनिट ऑफ ब्रेथ मीटर, और यूनिट ऑफ हाइट मीटर, तो ये मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब क्या हो गया, यूनिट हो गया किसका, वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम हो गया डेप्थ फिजिकल क्वांटिटी, डेप्थ फिजिकल क्वांटिटी, और इसका यूनिट हो गया, यूनिट हो गया मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब कैसे निकला, तो हमको एक क्यूबॉइड था, क्यूबॉइड एल बी एच, तो इसका फॉर्मूला हमको पता है एल इंटू बी इंटू एच, तो एल का हमने यूनिट रखते हैं यूनिट ऑफ लेंथ, बी ये सबके सब तो लेंथ है ना, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ ब्रेथ और यूनिट ऑफ हाइट, तो ये भी लेंथ यूनिट मीटर में ही आएगा, ये भी मीटर में ही आएगा, ये भी मीटर में ही आएगा, तीनों मीटर को हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया मीटर क्यूब। यहाँ पे जो है ना थ्री बेस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को क्या किया है, मल्टीप्लाई किया गया है, और आपको एक यूनिट आया जो कि वॉल्यूम का यूनिट हुआ, वॉल्यूम आपको डेप्थ फिजिकल क्वांटिटी है, और इसका यूनिट हो गया मीटर क्यूब। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम, तो मास इसका यूनिट चाहिए आपको, ये ड्रेव फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट चाहिए, तो मास का यूनिट है, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यूनिट ऑफ मास क्या है, मास क्या है, एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, तो मास का यूनिट क्या होता है केजी, और यूनिट ऑफ वॉल्यूम अभी निकाले इसका मीटर क्यूब, तो ये केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी का यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ डेंसिटी, एक डेंसिटी एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट हो गया केजी पर मीटर क्यूब। इस तरह से आप किसी भी डेप्थ फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकाल सकते। एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका भी वही डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब नहीं एक्सीलरेशन का डिफरेंशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी का यूनिट हो गया, वेलोसिटी का आप निकालिए, तो वेलोसिटी क्या होता है आपको डिस्प्लेसमेंट मेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट जो है क्या है इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा मीटर, और टाइम, टाइम का सेकेंड डिवाइड, ये टाइम का सेकेंड, ये एस आपको नीचे आ जाएगा एस इंटू एस, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन एक आपका बेसिक फिजिकल ड्रैव फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट हुआ आपको निकला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से आप जो है किसी भी ड्रैव फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकाल सकते हैं। ओके, थैंक्स, गुड लक।